पवित्र यीशु समाचार जोर से हे प्रभु तेरे सब योगन के अनुसार पवित्र यीशु समाचार हे प्रभु तेरे हो। अध्याय 15 और संख्या 9 से 12 तक यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, पिता ने जैसे मुझे प्यार किया है वैसे मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। नहीं होता है किसी किसी का तो लड़का लड़की को धोखा दे दिया होता है, चूल में तो इतना प्यार किया उसके बाद तो धोखा हो जाता है, अंक नहीं होता है। आज के दूसरे पार्ट में हम लोग सुंदर तरीके से सुने पूरे पार्ट पूरे अध्याय कोरिन्थियों के पत्र कोरिन्थियों के नाम से जो लिखा है उसमें अध्याय 13 पढ़ने से पूरे के पूरे प्रेम के बारे में और उसमें ढेर सारा है। क्या प्रेम क्या सूरज और कुमुदिनी आपने ईश्वर का वचन सुना है, इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह को सौंदर्य समझाया है। जब अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में ये प्रश्न करता हूं, सूरज और कुमुदिनी क्या आपने बिना दबाव के और राजी खुशी से विवाह करने का पक्का विचार कर लिया है? जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार है? जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा क्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार है? आप विवाह के बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपने हाथ मिलाएंगे और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपने मंजूरी दीजिए। दुलर गई एक नू जोड़।
मेरा और आप लोगों का यह परिणाम स्वीकार करें। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा के लिए और हमारे साथ अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इस पवित्र विवाह के अवसर पर हमारा दान स्वीकार करें। तो ही विवाह का संस्थापक है, इसलिए इसका संरक्षक भी बने रहने की कृपा करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, पूर्ण करता है। इन्हीं के द्वारा स्वर्ग दूतों और सब संतों के साथ मिलकर तेरा यशोगान करते हुए हम निरंतर घोषित करते हैं।
हमारी विनती प्रार्थना जो भी हम चढ़ाते हैं एवं विवाहित जीवन ईश्वर के लिए महिमा करें। एक साथ प्रभु Thank you.
हे प्रभु तूने विवाह को स्थापित किया है, इस बलिदान के सामर्थ्य से इस विवाह पर तेरा अनुग्रह बना रहे। जिन वर वधु को तूने पवित्र बंधन से संयुक्त किया तथा एक ही रोटी और एक ही कटोरे से तृप्त किया है, उन्हें ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे प्रेम भाव से जीवन यतीत करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। अंतिम आशीष के पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पार्टी को, वो सच्चा से गाय पश्चिम आए और जो कोई मिसा बलिदान में उपस्थित है आप सबों को भी धन्यवाद, और ईश्वर वधु के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें, ईश्वर से आशीष मांगे। सभी के विशेष आशीष करें, पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आप विदा लें, प्रभु की शांति सदा साथ रहे।